हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो काफ़ी खुशी होंगी है जूम मीटिंग जब आप काफ़ी फैनस मिलते अपने, दे आर वेरी इंप्रेस्ड एंड दे आर वेरी डिलइटेड टू मीट मी ऑनलाइन ड्यूरिंग द मीटिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लव एंड अफेक्शन यू आर गिविंग टू आर चैनल। एंड कोई भी थोड़ा सवाल हो, वीज़ा लगना है नहीं लगना, कोई दिमाग थोड़ा शक हैगा भई आप पैसे पटीए ना पटीए, राइट इन पंजाबी लैंग्वेज, तो वो डिस्कशन 590 रुपये जूम मीटिंग ना साडे नाल कर सकते हो। आप क्लीयर कट ट्रांसपेरेंट तुहानू दस देंगे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ योर वीज़ा, कि आना भी है नहीं आना। वी डोंट से कि मोस्टली की करते एजेंट भई आ जाओ आप ला दें, राइट वो यही कहते हैं कि आप हमारे पास फाइल लें आपका लग जाएगा, उन्होंने अपने पैसे बनाए आपका रिफ्यूज़ल आ गया, राइट। तो जहाँ पर रिफ्यूज़ल का चांसेस रहता है हम क्लियरली कहते हैं कि इतना परसेंट चांस है, ये सरकमस्टांस हो गया तो आपका वीज़ा आएगा, ये सरकमस्टांस हुआ तो नहीं आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है देन वी इंक्रीज़ द परसेंटेज एंड अकॉर्डिंगली, हर एक की प्रोफाइल हर एक का सरकमस्टांसिस डिफरेंट है। अब यंग एप्लीकेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रीज़न बीइंग कि आपका वहाँ आ जाके आपने स्टडी वीज़ा फाइल करना है। और ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें हमने बताना है कि अगर आपका वीज़ा लग गया विजिटर वीज़ा, देन व्हाट आर द कोर्सेज। अल्टीमेटली आपने पीआर के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, वहाँ सेटलमेंट के लिए परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए फिर आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो कौन से वो कोर्सेज हैं जिसमें आप फोकस करें या वहाँ जाकर पीआर मतलब विजिटर वीज़ा लेने के बाद उनमें एडमिशन लें, या आप यहीं से स्टडी फाइल कर रहे हो तो कौन से कोर्सेज में फ़ाइल किया जाए जिसके बाद आपको वहाँ पर पीआर लेने में आसानी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सवाल होते हैं इस पर, तो इस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह नॉलेज हो जाए कि किस तरफ आपने फोकस करना है और पहले से ही आप प्लानिंग करके चलें। क्योंकि ऐसा नहीं होता आपने 12वीं में साइंस ली है आगे जाके आप अकाउंटेंसी का प्रोग्राम पकड़ रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि वहाँ पीआर मुझे मिल जाएगी तो मैंने ये कर लिया, तो वो लॉजिक भी नहीं है, स्टडी वीज़ा में ही प्रॉब्लम आती है। तो पहले से ही ये सब प्लान करके आपने चलना है, तो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि स्ट्रेट अवे वही चीज़ से स्टार्टिंग करें जिसमें आपके आके आगे जाके ऑस्ट्रेलिया में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और फिर उसके बेसिस पे पीआर फाइल करनी है, ठीक है। तो हम टॉप कोर्सेज आपको बताने वाले हैं, टॉप स्ट्रीम्स बताने वाले हैं जिस स्ट्रीम्स में सबसे ज़्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। अब वाई ऑस्ट्रेलिया, अब मैं ऑस्ट्रेलिया को कनाडा के ऊपर रखता हूँ, रीज़न बीइंग इंडियंस के लिए खासकर, एक तो क्लाइमेटिक चीज़ें वहाँ पर हमारे जैसी ही मतलब ऑलमोस्ट मैच करते हैं, ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता अगर इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल डाउन होता है या स्टडी करता है। ऑन द अदर हैंड कनाडा में अगर आप जाएंगे तो बहुत ठंड है, तो थोड़ा क्लाइमेटिक शॉक जिसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो उनको लगता है, तो दैट इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो वो चीज़ है एक, तो चलो वो तो वेदर को साइड पर रखें। अब मैं आपको बताता हूँ मेनली जो कि साइड इनकम है, मतलब व्हाट यू आर अर्निंग वाइल स्टडिंग, वो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको प्रॉस बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर देन कनाडा एज पर एज ऑफ नाउ, ठीक है जी। तो इसीलिए काफ़ी क्रेज़ है और विजिटर वीज़ा पर ही स्टडी वीज़ा लिया जाए, वो एडवांटेज मैंने वीडियो पहले बनाया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देखें, यहाँ पर भी ऊपर अटैच कर देंगे, यू कैन वॉच दैट, बिकॉज ऑन शोर में आपका बहुत इकोनॉमिकल वे में स्टडी वीज़ा आपको मिल जाता है। अब इस टॉपिक का मेन कंसर्न है कि आपने कौन सा कोर्स लेना है, और अगर आपका कोई सवाल है जूम मीटिंग के नंबर आपके सामने हमारा व्हाट्सएप फ्लैश हो रहा है, आप इसमें व्हाट्सएप करें, बुक करें मीटिंग एंड वील हैव डिस्कशन, बिकॉज एवरी प्रोफाइल इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। स्टडी वीज़ा विजिटर वीज़ा लेना अब आज के टाइम में आसान नहीं है, खासकर यंग एप्लीकेंट्स के लिए, तो कैसे लिया जाएगा, कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो वो सब उसमें डिस्कस होता है, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं कि जो मेन आपने ये क्लिक किया वीडियो, कौन से वो कोर्सेज हैं, एडवांटेज मैंने आपको बता दी ब्रीफ में। नाउ कमिंग टू द स्ट्रीम्स, पहले स्ट्रीम्स की बात करेंगे फिर स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करते हैं, और आई विल गिव यू द आइडिया ऑल्सो कि कितने डॉलर्स आपके वहाँ खर्च होते हैं स्टडी वीज़ा एंड ऑल दैट उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं टॉप नंबर पर इंजीनियरिंग कोर्सेज। जी हाँ, एट प्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग टेक्निकल पर्सन्स की बहुत डिमांड है, और
इनको पॉइंट सिस्टम में भी काफ़ी ऊपर रखा जाता है। इफ़ यू आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तो आपको बहुत एडवांटेज हो जाती है परमानेंट रेजिडेंसी में, वर्क वीजे में भी, इन एवरी सॉर्ट, राइट। क्योंकि ये स्टेप्स हैं, आपने एजुकेशन, आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया, देन यू विल हैव वर्क वीज़ा, देन यू हैव पीआर, पॉइंट्स बनने हैं। तो इसमें अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है देन यू आर एट द वेरी एज, जो कि सबसे ज़्यादा जो नंबर्स जिनको दिया जाता है, इनवाइट्स आते हैं, दीज आर द वन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। सो अगर आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है देन वेरी गुड, और अगर आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो तो नॉन मेडिकल लेके आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज अपने ऑस्ट्रेलिया से प्लान करें। दीज आर वन ऑफ द आई विल से टॉप ऑन द टॉप लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आता है अपना सेकेंड नंबर पे मेडिकल कोर्सेज, एंड हेयर आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर्स, मेडिकल टेक्निकल कोर्सेज, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। टेक्निकल कोर्स में मतलब आता है जैसे नर्सिंग हो गया, नर्सिंग इज़ इन हाई डिमांड एंड वेरी गुड पेइंग यू नो जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। नर्सिंग हो गया, मेडिकल टेक्नीशियंस हो गए, एक्सरे टेक्नीशियंस हो गए, ये जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा रहती है, हर हॉस्पिटल में रहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहती है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे डॉक्टर्स वाला जो है, दैट इज़ आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार है, उसमें थोड़ा आपका लेंथी काम हो जाता है। सो हेयर आर द पीपल हु वॉन्ट, फटाफट आप जाएँ 2-3 साल वहाँ करें और फिर पी आर के लिए करें और आपको पी आर आप सेटलमेंट हो। डॉक्टर के एमबीबीएस वगैरह की भी डिमांड है, बट वो थोड़ा जो स्टूडेंट बेस है ना, बड़े हाई एच टॉप क्रीम आ जाती है। तो अगर आपके पास एमबीबीएस वगैरह, दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन परस्यू। बट आई एम सेइंग टू द एवरी स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा मासिस को ये वीडियो जाए और जिसके लिए एप्लीकेबल हो, देन आई एम सेइंग कि मासिस का एमबीबीएस का टेस्ट क्लियर नहीं होता, राइट। तो वो टेक्निकल कोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हैं, गो फॉर दोज टेक्निकल कोर्सेज, राइट। थर्ड स्ट्रीम आपकी आती है सी कोर्सेज, अकाउंट्स। अब यहाँ पर बिजनेस अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बिजनेसमैन को भी चाहिए, छोटे से छोटे कंपनी को, बड़ी से बड़ी कंपनी को, बड़े बड़े से बड़े कॉरपोरेट को अकाउंटेंट्स की ज़रूरत रहती है थ्रू आउट, चाहे वो कोई भी देश हो, तो ऑस्ट्रेलिया में भी रिक्वायरमेंट है। तो इफ़ यू आर कॉमर्स, यू आर इन द कॉमर्स स्ट्रीम, देन दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एज ऑफ योर पी आर इज़ कंसर्न, बिकॉज अकाउंटेंसी के भी जो कोर्सेज हैं उनकी आगे चल के बहुत डिमांड रहती है, राइट। सो उसके बाद आते हैं ट्रेड रिलेटेड कोर्सेज, जिसकी भी बहुत डिमांड रहती है। अब मैं आपको, दीज आर द मेन स्ट्रीम जो मैंने आपको डिस्कस की, अब मैं आपको स्पेसिफिक कोर्सेज बताता हूँ, साथ में साथ मैं आपको इनका जो है फीस का आइडिया दे दूंगा, जो कि अगर आप यहाँ से स्टडी वीज़ा फाइल करेंगे तब लगेगी। बट ऑन द अदर एंड सेम फीस, अब सेम चीज़ अगर आप वहाँ जाके ऑनशोर अप्लाई करते हो तो उसके एडवांटेज यू नो, यू जस्ट चेक आउट द वीडियो कि वो बहुत इकोनॉमिकल रहता है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फीस वगैरह, ये फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, व्हेन यू अप्लाई राइट फ्रॉम हेयर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अकाउंटेंसी का कोर्स, 20,000 से लेके 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लगते हैं, ये इनकी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, टोटल बता रहा हूँ आपको अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। 20,000 से 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके लग जाने हैं, और इसमें आपको टॉप जॉब रोल जो आपको ये करने के बाद मिलेंगे, दैट इज़ योर अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर्स एंड ऑल दैट, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में, जो टॉप का कोर्स है वो है कंप्यूटर साइंस में आपका इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें आपका आईटी वगैरह भी आ जाता है, अगर आप टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग से लेकर सेकंड लेवल पे टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इसमें जो खर्चा आता है फ्रेंड्स 41,000 से लेके 55,000 के बीच में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बता रहा हूँ सब चीज़। और इसके बाद बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इस फील्ड के अंदर, यू कैन बी कंप्यूटर नेटवर्क, यू कैन बी इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग, यू कैन बी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, यू कैन बी एनालिस्ट प्रोग्रामर, यू कैन बी टेस्टर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर, वेब डेवलपर, मल्टीपल कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस प्लस आईटी के इंडस्ट्री में। तो ये एक बहुत ही मतलब कहेंगे चहेता, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट ये कोर्सेज में एडमिशन देती हैं, सो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी।
इसके बाद आता है आपका कॉमर्स वाले जो बिज़नेस मैनेजमेंट में आते हैं, ये भी कोर्स काफ़ी पॉपुलर है। ये आपका कॉलेज में जाएंगे तो $15,000 से लेके अगर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो $1,20,000 तक भी ये कोर्सेज हैं। अब यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये रहता है कि इफ़ यू टेक आपके पास अगर मनी है, गो फॉर यूनिवर्सिटी, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो आपको PR के लिए एडवांटेज मिलेगी और जो वर्क वीज़े के लिए एडवांटेज मिलेगी, यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आपको बहुत बढ़िया पैकेज एंड ऑल दैट एवरीथिंग इज़ यू नो। अगर आप पहले एक बार आपने पैसा लगा दिया यूनिवर्सिटी से, आपने डिग्री ले ली और इस कैटेगरी में, तो चांदी ही चांदी है। इसमें आप क्या बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाती है रोल, देन आपका HR बिजनेस सेल्स मैनेजर एंड अकाउंट्स सॉरी डेवलपमेंट मैनेजर, ये सब कुछ आपको जॉब रोल्स ऑफर हो जाते हैं वंस यू गेट डिग्री इन दिस स्ट्रीम। एंड आई एम अगेन अंडरलाइनिंग कि डिग्री अगर आप यूनिवर्सिटी से लेंगे तब आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। और इंजीनियरिंग कोर्सेज का आपको आइडिया देते हैं, जिसमें कोर लेवल के आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसमें क्या आपका खर्चा आता है, जो कोर इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज हैं उसमें अराउंड $44,000 से लेके आपका $50,000 तक खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन विच स्ट्रीम यू मैकेनिकल में जा रहे हैं, सिविल में जा रहे हैं, वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट। और इसमें भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स बहुत रहती हैं। अब आपके पास आ जाते हैं जो नर्सिंग का, जो मैंने आपको बताया था पीछे, नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नीशियन, उसमें क्या अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है, उसमें अराउंड $40,000 से लेके $70,000 तक आपका खर्चा आएगा। एंड इसमें आज आप कोर्स ख़त्म करोगे अगले दिन आपके पास जॉब ऑफर होगा, इतना डिमांडिंग कोर्सेज हैं ये, स्पेशली आपका नर्सेज एंड मेडिकल टेक्नीशियंस, जो एक्सरे एंड ऑल दैट, उसकी बहुत डिमांड रहती है एंड प्रोफेशनल्स मिल नहीं पाते हैं और दिस इज़ वेरी डिमांडिंग जॉब। एंड उसके बाद अब जो आपका ट्रेड कोर्सेज होते हैं, जो कि मोस्टली अपने इंडियंस करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, उसमें प्लम्बिंग आ जाता है, जनरल प्लम्बर, मैकेनिकल सर्विसेज हो जाती हैं और रूफ प्लम्बर, दीज काइंड ऑफ जॉब्स। तो इसमें खर्चा भी कम होता है, ट्रेड कोर्सेज इनको कहते हैं, ये आपके $7,000-8,000 से लेके $15,000 के बीच बीच में आपको ये सब कुछ खर्चा आपका इसमें ये कोर्स हो जाता है और इसके बाद ये जॉब्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये उनको टारगेट करती हैं जो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, जस्ट ओके टाइप्स हैं, उनके लिए ये कोर्सेज हैं, नॉट फॉर द वन हु आर ब्रिलियंट इन द स्टडीज़। तो हर एक लेवल का वी आर डिस्कसिंग, तो इस और ये आई थिंक दीज आर द मैक्सिमम जो जाना चाहते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स, क्योंकि ये कोर्सेज भी बहुत कम होते हैं और अराउंड साल एक का कोर्स मैक्स होता है, उसके बाद आपको ये जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, वर्क वीज़ा मिल जाता है और स्किल्ड लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए PR में भी ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आपको ये स्किल्स आप में हैं, प्लम्बिंग हो गया, एयर कंडीशन टेक्नीशियंस, मैकेनिक, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप में टेक्निकल दिमाग है और इसमें पढ़ने में आपका ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट है और आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, सो दिस इज़ द वे टू गो। आप विजिटर वीज़ा फाइल करें और ऑस्ट्रेलिया में आके ट्रेड कोर्सेज में एडमिशन लें और यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है, बस मेजर हर्डल इज़ विजिटर वीज़ा। तो उसके लिए आप हमें संपर्क करें, आपके सामने जूम मीटिंग के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो विल ट्राई आर बेस्ट कि आपको विजिटर वीज़ा मिले, आगे आपके लिए राह आसान है और वो भी मैंने अब आपको गाइड कर दिया कि आगे कहाँ पर आपको जाना है अकॉर्डिंग टू योर CV। मतलब पढ़ने वाले हो तो अभी मैंने पढ़ने वाले कोर्सेज आपको बताए हैं, मेडिकल साइड आपका इंटरेस्ट है तो मेडिकल वाले कोर्स बताए हैं, अगर पढ़ने में ज़्यादा नहीं है, जस्ट आप टेक्निकली बड़े साउंड हैं, तो ये जो स्पेशलाइज स्किल्ड लेबर कोर्सेज हैं वो आप करके सेटलमेंट ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है अपना एजुकेशन जो होता है, टीचिंग एंड ऑल दैट, वो कोर्सेज भी अराउंड $20,000 से $45,000 में आपका हो जाता है अगर आप यहाँ से फाइल करते हो, राइट। और इसमें आपका स्कूल टीचर, टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स, हायर स्कूल्स, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, बट ये मैंने एंड में डिस्कस किया क्योंकि इसकी सबसे कम आई से एज कम्पेयर टू अदर्स जो मैंने आपको बताए हैं उनकी दे आर हाईली डिमांडिंग, ये भी डिमांडिंग है बट एज कम्पेयर टू दैम इट इज़ वेरी लीस्ट, तो ये मैंने लास्ट में रखा है। सो दीज आर द कोर्सेज जो आपने प्लान में रखने हैं, अपने हिसाब से प्लानिंग करके चलना है
और फिर वहाँ पर जाके आपको विजिटर वीज़ा लेने के बाद स्टडी वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफशोर मतलब इंडिया से ही अप्लाई करना चाहते हैं, बस देन यू नीड फंड्स, राइट। वो थोड़ा इकोनॉमिकल कम है, बट दीज आर द कोर्सेज विच यू शुड टारगेट इफ़ यू वॉन्ट टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ भी आप करेंगे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेजर चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है आने वाले 4-5 साल में, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट, बहुत जॉब्स हैं। तो आप प्लीज़ इसको कंसिडर करें, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत क्वेश्चनिंग होती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि एक वीडियो में आपको सारा समझा दिया जाए कौन से कोर्सेज़ आपने वहाँ जाके फाइनलाइज़ करने हैं कि आपका जो सेटलमेंट का सपना है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो आजकल बड़े बड़े प्लेयर्स भी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, आई थिंक हमें देख के, आई डोंट नो। और एडवांटेज ऑनलाइन मीटिंग की ये है कि इट इज़ हाईली प्रोडक्टिव, मतलब आधे घंटे में आपका बहुत कुछ, ऑल मेजर पॉइंट्स वी कैन डिस्कस। और जो हम ऑनलाइन में डिस्कस कर पाते हैं मेनली क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे का स्लॉट रहता है, सो टाइम लिमिट इज़ देयर, तो मल्टीपल पर्सन्स वी कैन अटेंड। फिज़िकल मीटिंग में क्या रहता है कि वो चाय पानी हो जाए, टाइम का थोड़ा वो घंटा घंटा भी लग जाता है कई बार, राइट। तो वो चीज़ इज़ नॉट प्रोडक्टिव। तो हम जो है काफ़ी ट्राइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव ताकि हर एक को मौका मिले। तो ये बड़ा कन्वीनियंट भी है, अपने घर में बैठ के हमारे से अपना डिस्कस कर सकते हैं। और हम जहाँ पर आपका नहीं लगना वीज़ा, तो हमने यहाँ से ये नहीं कहना कि आ जाओ लगवा लो, ठीक है ना। हमने सीधा बोलना है कि इतने परसेंटेज है आपका, इतने परसेंटेज है आपका वीज़ा आएगा, इतने परसेंट है आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है। अब आपने डिसीजन लेना है, ट्राई करना चाहते हैं करें, और बाकी इट्स योर विल। तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है नी। तो ज़रूर आप जूम मीटिंग बुक करें। होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।